हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप YouTube ऑटोमेटिक वीडियो पोज प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपको YouTube पर वीडियो देखते वक्त ऑटोमेटिक पोज का मसला आ रहा है तो आपके लिए फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस प्रॉब्लम का सलूशन लेके आया हूँ कि अगर आपके पास वीडियो पोज का मसला आ रहा है यूट्यूब के ऊपर तो आपने उसको किस तरह फिक्स करना है। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को पीसी या लैपटॉप में इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का तरीका बता दूं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप में यूट्यूब यूज़ करते वक्त ऑटो पॉज का मसला आ रहा है तो आपने जस्ट गूगल में जाके सर्च करना है यूट्यूब नॉनस्टॉप। तो मैं इसको यहाँ पर सर्च कर देता हूँ फ्रेंड्स, और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट लिंक है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सही है फ्रेंड्स, यूट्यूब नॉनस्टॉप एक एक्सटेंशन है जिसको ऐड करने के बाद यूट्यूब ऑटो पॉज का मसला ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, तो आपने यहाँ आके जस्ट ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका ये जो एक्सटेंशन है ये ऐड हो जाएगा। इसको ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों के पास यूट्यूब ऑटो पॉज का जो मसला है वो लैपटॉप या पीसी के ऊपर नहीं आएगा अगर आप उसको क्रोम ब्राउज़र के ऊपर यूज़ करते हो। सही है, इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अभी मोबाइल का भी बता देता हूँ कि अगर मोबाइल में आपके पास इस तरह का मसला आ रहा है तो आपने उसको किस तरह फिक्स करना है। सही है, तो मोबाइल में अगर आपके पास ये मसला आ रहा है तो आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने जाना है एप्लीकेशन मैनेजर में। तो मैं यहाँ से एप्लीकेशन मैनेजर ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर आपने ढूंढना है यूट्यूब एप्लीकेशन। सही है, तो ये रहा हमारे पास यूट्यूब एप्लीकेशन, तो आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपने क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करके सारा डेटा क्लियर करना है। सही है, सारा डेटा क्लियर करने के बाद आपके पास यूट्यूब ऑटो वीडियो पॉज का मसला नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप अपने इस मसले को मोबाइल और पीसी में फिक्स कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।